हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, मतलब रिकवरी एजेंट आपके घर पे होम विजिट करता है, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और कैसे उसको फेस करना चाहिए। बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि रिकवरी एजेंट जब उनके घर पे आता है तो उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं, उनके मुँह से ज़ुबान निकलना बंद हो जाती है, उनकी बोलती बंद हो जाती है, मुँह पर ताले लग जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आप डर रहे होते हैं उस तरीके से रिकवरी वाला भी कुछ हद तक डरा हुआ होता है जब वो किसी भी कस्टमर के घर पर जाता है, खासतौर पे जब वो बिना बताया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी आप एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में, ये वीडियो मेरे ही कस्टमर ने बनाया है जिनको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब रिकवरी वाले उनके घर पे हैं तो कैसे उनसे डील करना है, कैसे उनसे बात करनी है, और उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैंक राइट? नो नो नो, कोटक कोटक। सॉरी, यू कमिंग फ्रॉम कोटक बैंक? व्हाट इज योर नेम? शामराज। ओके, so why you coming here? Why you coming means you have to make the payment na? Yeah, okay. There, you see. Your premises will go inside. Come. Okay. Sir, bunny sir. No, that's fine. You come. Yeah. No, no, actually I'm going to police station, so why are you coming? We have to come to your premises, we'll see together. Oh yeah, come. Yeah, yes, you should tell. Come to your home. Why are you sitting? Why come to your home? Why will be? I'm here, right? So you want to talk with me, right? We are coming 3-4 times, yeah? Okay, whatever. That's why you're coming. You told we can go to police station. Yeah, I will go, sir. No problem. No, sir. Kindly come. We'll go to the police station. You only told us to let's go to the police. No, sir. So, I am coming, sir. No problem. Yeah. I'm not coming. I want to show you come. You are coming from. ID card, take photo. Yeah, okay. Come. Okay. We'll go. No. That's why I'm asking. I'm so. We are not arrested. We have an arbitration. Take this one. I took that one. So I will go there. We'll go to the police station. So kindly come. Okay. Let's not create a scene in front of your house. Yeah, yeah. Don't create a scene in front of your house. No. I'm not creating. I'm just taking a proof as you coming as my home. I'm coming for your home to take a arbitration 17. Yeah. Will be taking yes. the asset. Yes. Yes. Right. You coming from that purpose, yes, right? Section 17 order says that only. Okay. So kindly, can we go to the police station? तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा वीडियो में, देख लिया कि रिकवरी वाले जब देख रहे हैं कि कैमरा उनका फेस, उनकी वीडियो बनाई जा रही है और उनसे उनकी डिटेल्स मांगी जा रही है, तो उनके तोते उड़ना चालू हो गए हैं, उनकी हवा सेंट होने लगी है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो लीगली गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कस्टमर को बिना कॉल किए उसके घर पर आए हैं, और सेकेंडरी वो ये कोशिश कर रहे हैं, ये दिखा, जब कस्टमर उनका आईडी कार्ड मांग रहा है कस्टमर ने, तो सिर्फ एक बंदे ने आईडी कार्ड दिखाया है और उसके साथ दो हरामखोर लोग और भी हैं जो कि वो भाड़े के गुंडे हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी आईडी कार्ड अपना नहीं दिखा रहा है, सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये, जब कस्टमर ने लेटर के लिए उनसे बोला तो वो दो गौड़ी के चवन्नी छाप कस्टमर को आर्बिट्रेशन नोटिस दिखाने की बात कर रहे हैं। कस्टमर मांग रहे हैं उनसे ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ कि मेरे घर पे आए हो, उसका नोटिस, और जो वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो में वो आर्बिट्रेशन नोटिस की बात कर रहा है। तो दोस्तों, ये आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी पता चल चुका होगा कि आर्बिट्रेशन नोटिस नॉर्मली आपके मेल पे ही आ जाता है, तो उसके लिए हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उस पर भी उनके भाव इतने बढ़े हैं रिकवरी वालों के कि वो खुद बोल रहे हैं चलो पुलिस स्टेशन चलो। उन हरामखोरों को खुद ये पता है कि पुलिस के नाम पर कस्टमर डर जाता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को डराने की, फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिए, पहली बात कि जब रिकवरी वाले आपके घर पे आए तो उनसे घंटा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से रिकवरी वाले जब आपके घर पे आते हैं और आप डर जाते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में रिकवरी वाले भी थोड़े डरे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि कई केसेस में ऐसा दिखा है कि रिकवरी वाले को पकड़ के अच्छे से कूट दिया गया है, उनकी अच्छे से तारीफ की गई है, बिठा के उनकी रूम में बंद करके, तो उन्हें भी डर रहता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि रिकवरी वाले कभी भी सिंगल बंदा नहीं आएगा, हमेशा दो चार गुंडे लेके आएंगे अपने साथ में, एक तरीके से, क्योंकि गुंडे इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो लोग ऑथराइज नहीं होते आने के लिए। एक ही बंदा ऑथराइज होता है, जो भी बंदा आया है वो सिर्फ अपना आईडी कार्ड दिखा रहा है, बाकी लोग नहीं आते, तो ऐसी कंडीशन में उनको गुंडा ही बोला जाएगा, जो कि सादे तरीके से आए हैं कस्टमर को डराने के लिए, कस्टमर के अंदर वो फियर लाने के लिए कि कस्टमर डर जाए, ये चीज़ होती है। तो दोस्तों,
कोई भी रिकवरी वाला आपके घर पे आ रहा है तो जिस तरीके से दूध वाला आपके घर पे आया है उस तरीके से आप समझिए कि रिकवरी वाला आपके घर पे आया, उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले उसका उसको कुछ भी जवाब देने से पहले उसका आईडी प्रूफ मांगिए, उसका उससे ऑथराइजेशन लेटर मांगिए और उससे पूछिए कि मुझे कॉल किए बिना क्यों आए आप, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिना कॉल किए कोई भी रिकवरी वाला आपके घर पे नहीं आ सकता है। अगर वो आ रहा है तो मतलब वो खुद आपको डराने की कोशिश कर रहा है। और कस्टमर से जो भी आप कन्वर्सेशन करते हैं, उस रिकवरी वाले बंदे से जो भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसको ऑन रिकॉर्ड रखिए। ऑन रिकॉर्ड इन द सेंस सारी चीज़ें आप वीडियो में उसकी कैप्चर कीजिए। जब आप वीडियो में कैप्चर करते हुए कैप्चर करेंगे तो जो रिकवरी वाला होगा उसकी हवा संट होना चालू हो जाएगी। जिस तरीके से कस्टमर की फटती है ना, उस तरीके से रिकवरी वाले की फटनी लग जाएगी कि अगर कस्टमर ने सही तरीके से लीगली उसकी कंप्लेन कर दी तो उसकी जॉब जा सकती है। तो दोस्तों रिकवरी वालों से इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है अगर वो आपके घर पे विजिट भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप भी डरे हुए हैं उस तरीके से वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि कौन सा कस्टमर कितना खतरनाक निकल सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप दोस्तों मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही, थैंक यू।